दोस्तों नमस्कार। बेशक टीम इंडिया T20 की वर्ल्ड चैंपियन हो और श्रीलंका की टीम जो है अगले राउंड में भी ना पहुंच पाई हो T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन एक सच ये है कि दोनों के बीच में जितने मुकाबले होते हैं आपस के T20 के फॉर्मेट में, उसमें एक रोमांचक संघर्ष देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 10 मुकाबले उठाकर देखेंगे तो भी 4 मुकाबले श्रीलंका ने भी जीते हैं, अगर हम 6 जीते हैं तो 4 वो भी जीते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उनको बिल्कुल धो डालेंगे या क्लीन स्वीप करेंगे, और वैसे भी जब वो अपने देश में खेलते हैं तो बहुत खतरनाक ये टीम होती है और इतना आसान नहीं होता भारत के लिए। स्थितियाँ उनके अनुकूल हैं और कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क में, खासकर श्रीलंका की टीम। अब बदले मिजाज हैं दोनों टीमों के, भारत का कप्तान बदल गया है, श्रीलंका का कप्तान भी बदल गया है। वहाँ हसरंगा की जगह असलंका आप देख सकते हैं, असलंका ये कप्तानी करने जा रहे हैं। तो भारत की तरफ से अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 क्रिकेट से, उनकी जगह पर अब कप्तानी का जो जिम्मा है वो सूर्य कुमार यादव के पास है। वहीं कोच के तौर पर देखेंगे तो वहाँ भी कोच नए आ गए हैं। तो आपको याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एक धाकड़ बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज हुआ करते थे सनत जयसूर्या, वो इनके कोच बन गए। और भारतीय टीम के गौतम गंभीर 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम के अहम सदस्य, जिन्होंने फाइनल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो अब कोचिंग करेंगे भारत की। तो एक तरह से भारतीय क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हो गई है और नया युग में अब जो है सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की जोड़ी अब उसने रिप्लेस कर दिया है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी को। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब ये पल्लिकेले में मुकाबला है कैंडी के मैदान में, जहां रन भी खूब बनते हैं। 185 से जो है इनका एवरेज स्कोर है पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पर दिन में बारिश की उम्मीदें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डे नाइट मुकाबला है तो रात को बारिश की उम्मीद नहीं है, बड़ा अच्छा मौसम रहेगा तो यहाँ रन भी बनेंगे और विकेटें भी गिरेंगी। और स्पिनर्स को यहाँ काफ़ी कामयाबी मिली है पेसर्स के मुकाबले, क्योंकि स्पिनर्स का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है 7.64 की, और वहीं तेज गेंदबाजों की 10.58 की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पिनर्स को यहाँ भरपूर लाभ मिलने वाला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम जहाँ पर 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर जो कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और इनके साथ रवि बिश्नोई को उतारा जा सकता है, क्योंकि टीम को तय करना है रवि बिश्नोई या खलील अहमद, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को खिलाना है। क्योंकि अगर तेज गेंदबाजों के लिए टीम जाती है तो खलील अहमद और अर्शदीप दोनों खेल सकते हैं, नहीं तो बहुत संभव है कि स्पिनर एक अतिरिक्त भारतीय टीम में शामिल किया जाए रवि बिश्नोई के तौर पर, जिन्हें हालिया सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ काफी कामयाबी भी मिली है। तो अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम में अब एक विकल्प ये भी है कि रियान पराग खेलेंगे या शिवम दुबे खेलेंगे, दोनों में से किसी एक को ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि शिवम दुबे अभी तक T20 वर्ल्ड कप में भी खेले, फिर बाद के मैचों में जिम्बाब्वे में भी खेले, लेकिन अब यहाँ पर रियान पराग को मौका जरूर दिया गया जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में, लेकिन वो वैसा उन्हें अवसर उतने मिल नहीं पाए टीम में होते हुए भी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही अपना काम बखूबी कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब रियान पराग के लिए सुनहरा मौका होगा अगर उन्हें मौका मिलता है तो। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो वहाँ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, फिटनेस का इशू सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, चाहे वो दुश्मंता चमीरा हो, पहले वो इंजर्ड हुए, उसके बाद नुवान तुषारा ये भी चलते बने, और उसके बाद बिनुरा फर्नांडो जिन्होंने LPL में धमाल मचाया था अपनी शानदार गेंदबाजी से, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। और वहाँ अब अच्छी बात यह है कि मतीशा पथिराना के साथ दिलशान मधुशंका उनका साथ देने के लिए आ गए हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है खासकर भारत के खिलाफ, चाहे वो वानखेड़े का मैदान हो चाहे अन्य मैदान हो, 4-5 विकेट भी इन्होंने एक मौके पर चटकाए थे। तो अब रमेश जो इनके खिलाड़ी हैं शिता फर्नांडो के साथ, उनको भी टीम में रमेश मेंडिस को स्टैंड बाई के तौर पर बुला लिया गया है, क्योंकि 3 तेज गेंदबाजों का किसी सीरीज से पहले अनफिट होना कई तरह के सवाल खड़े करता है श्रीलंका के की टीम पर। तो वहीं भारतीय टीम बिल्कुल यहां पर मजबूत दिखाई दे रही है, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप आपको गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करते हुए दिख सकते हैं, खलील अहमद अगर खेलते हैं तो ठीक है, नहीं तो तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर हार्दिक पांड्या मौजूद होंगे। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।